अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 3 के लिए है। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है सोशल स्टडीज चैप्टर 6 इंडिया पॉलिटिकल का। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोग की इंडिया में क्या है, हम लोग का इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे अराउंड 1.25 करोड़ के पॉपुलेशन है और ये इंडिया जो है हम लोग की मतलब वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। फिर उसके देखभाल के लिए 2 गवर्नमेंट बनाया गया है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है जैसे कि पूरे मतलब होल कंट्री को देखना कि वहां पे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो पूरे कंट्री का ख्याल खुद रखे। तो इसीलिए वो क्या किया है, 29 स्टेट्स में अपने कंट्री को डिवाइड कर दिया गया है, जिसका उसका अलग अलग कैपिटल है, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया है। अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन इट्स कैपिटल सिटी। तो जिस तरीके से हर स्टेट को डिवाइड किया गया है तो उसका हर स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन ऑफिस होगा वो उसके कैपिटल सिटी में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर वेस्ट बंगाल में हम लोग रह रहे हैं तो वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, उसका कैपिटल क्या है, कोलकाता। तो इसका जो मेन वेस्ट बंगाल का जो मेन ऑफिस है वो आपके कोलकाता में है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर स्टेट मिनिस्टर्स लिव इन द स्टेट कैपिटल। तो आपके जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नमेंट गवर्नर होंगे, वो आपके स्टेट कैपिटल ही में रहेंगे। जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल का गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर है तो वो कोलकाता में रहेगा। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कंट्री का कुछ पार्ट ऐसा है जो डायरेक्टली तुम्हारे किसके अंडर चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलता है उसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कितने टाइप्स के यूनियन टेरिटरीज होते हैं, 7। द गवर्नर इज द हेड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। और हर यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है, गवर्नर। तो हर गवर्नर जो होता है यूनियन टेरिटरी का, जैसे कि गवर्नर आपके यूनियन टेरिटरी का हेड होता है। दिल्ली हैज द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो दिल्ली भी जो है वो किसके अंडर में चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए हम लोग उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यूनियन टेरिटरीज और उसका कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, दूसरा चंडीगढ़ जिसका कैपिटल भी चंडीगढ़ है, तीसरा दादरा एंड नगर हवेली जिसका सिलवासा, दमन एंड दीव दमन, लक्षद्वीप आपका उसका कैपिटल कवारत्ती, पुडुचेरी का पुडुचेरी है, और दिल्ली यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कैपिटल न्यू दिल्ली। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, वेल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन साइज। जैसे कि राजस्थान जो है बहुत बड़ा स्टेट है, उसी तरीके से गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बड़ा आपका यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप आइलैंड आपका छोटा है उसके हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वाइल सिक्किम हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। लेकिन सिक्किम, उसी के हिसाब से सिक्किम का पॉपुलेशन जो है सबसे कम है। थैंक यू। अब आप लोग एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, यानी कि पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो दोनों को अच्छे से देखिए। इसके बाद इन दोनों पार्ट को लेके क्लास में डिस्कशन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। साइज, जैसे कि राजस्थान जो है बहुत बड़ा स्टेट है, उसी तरीके से गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द लार्जेस्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज में देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बड़ा आपका यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप आइलैंड आपका छोटा है उसके हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वाइल सिक्किम हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन। लेकिन सिक्किम, उसी के हिसाब से सिक्किम का पॉपुलेशन जो है सबसे कम है। थैंक यू। अब आप लोग एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, यानी कि पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो दोनों को अच्छे से देखिए। इसके बाद इन दोनों पार्ट को लेके क्लास में डिस्कशन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।